हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चेहरे के कालेपन और दाग धब्बे को दूर करने का एक बहुत ही अचूक राममार तरीका बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इसकी मदद से आप अपने चेहरे के कालेपन को और चेहरे पर हो रहे दाग धब्बे के निशानों को आसानी से दूर कर सकते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप खुद देखेंगे घर पर आप इसे किस तरीके से साफ कर सकते हैं और अपने चेहरे पर एक काफ़ी अच्छा ग्लो पा सकेंगे। तो दोस्तों, जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस नुस्खे में आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक खाली बाउल की। आपको एक खाली साफ सुथरा बाउल लेना है। इस खाली बाउल में हम सबसे पहले जो चीज लेंगे वो दोस्तों फेयर लवली क्रीम, जो कि अब मेरे पास देख रहे दोस्तों फेयर लवली क्रीम है। ये एक मल्टी विटामिन क्रीम होती है जो हमारे चेहरे को ग्लोइंग बनाती है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर इसमें कुछ ऐसी चीजें मिलानी है, इससे आपके चेहरे के काले दाग धब्बे और कालापन काफी तेजी से दूर होने लगेगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में इसमें आधा चम्मच के अलावा फेयर लवली क्रीम ऐड करनी है। ये दोस्तों हमने यहाँ पर आधा चम्मच का इसमें फेयर लवली क्रीम ऐड कर ली। अब दोस्तों अगली चीज जो हम लेंगे वो दोस्तों विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल दोस्तों आपको किसी भी शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। ये बहुत ही फायदेमंद होता है हमारी त्वचा के लिए। ज्यादातर मार्केट में मिलने वाले लगभग हर स्किन केयर प्रोडक्ट में विटामिन ई एक जरूरी सामग्री के तौर पर मौजूद रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्किन को हेल्दी बनाने के साथ साथ पिंपल्स दाग धब्बे को दूर करती है और ड्राई स्किन से छुटकारा दिलाती है। इन फायदों के अलावा विटामिन ई में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट एजिंग की सारी निशानियों को दूर करने में मदद करती है। तो आपको एक विटामिन ई के कैप्सूल को काटकर जो इसमें ऐड कर देना है। आपको जो पूरा जेल इसमें निचोड़ देना है। जेल लेने के बाद दोस्तों अगली चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे वो दोस्तों नींबू का रस। तो हम यहाँ पर इसमें 5-6 बूंद के बराबर नींबू का रस जो है ऐड करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नींबू का रस चेहरे के लिए एक प्राकृतिक ब्लीच होता है। यह साइट्रिक फल हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नींबू का रस हमारे स्किन से ब्लैक हेड्स को साफ करने के लिए काफी प्रयोग किया जाता है। यह खुले पोर्स को ठीक करता है और हमारी त्वचा को ग्लोइंग बनाता है। अब इसमें आखिरी चीज जो हम लेंगे वह दोस्तों चीनी, जो कि अपने पास देख रहे हैं दोस्तों ये चीनी है। आपको इसमें आधा चम्मच चीनी ऐड करनी है और इन सारी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों, चीनी हमारी त्वचा पर स्क्रबिंग का काम करती है। ये हमारी त्वचा से काले दाग धब्बे और ब्लैक हेड्स को रिमूव करती है। चीनी की मदद से हमारी त्वचा में काफी अच्छा निखार आता है। तो आपको ये पेस्ट देखने में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन दोस्तों ये पेस्ट आपके फेस के लिए काफी है। आप चाहो तो इसमें और भी जो है क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर एक ही बार के लिए इसे बना रहा हूँ। तो आप इसे जब भी अपने चेहरे पर अप्लाई करें तभी आप इतना बना लें। तो दोस्तों, इस तरीके से ये आपका मिक्स होकर तैयार हो जाएगा। अब इसे लगाने का तरीका दोस्तों वो ये है, आपको जो उंगलियों से इस तरीके से लेनी है और अपने चेहरे के ऊपर हल्के हाथों से इसकी गोल गोल स्क्रबिंग करनी है। जिस तरीके से आप अपने चेहरे पर स्क्रब करते हैं ठीक इसी तरीके से आपको स्क्रब करना है। ये मंत्र दियो इस तरीके से दोस्तों, आपको पूरे चेहरे पर गोल गोल स्क्रब करना है कम से कम 2-3 मिनट तक। स्क्रब करने के बाद में दोस्तों आप इसे 10 मिनट के लिए ऐसे लगा हुआ छोड़ दें। 10 मिनट के बाद में आप इसे सादा पानी से धोकर साफ कर दें। दोस्तों, आप काफी अच्छा इसका रिजल्ट देखेंगे। आपके चेहरे पर जितने भी काले दाग धब्बे थे, कालापन था, काले निशान थे, काफी हल्के पड़ जाएंगे। अगर इस नुस्खे को आप लगातार 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका चेहरा काफी ग्लोइंग करने लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाता हूँ कुछ ऐसा वीडियो, तब तक के लिए बाय।